हेलो गाइस, मैं रवि शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। सो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और ठीक ही रहना दोस्तों, क्योंकि अभी सिचुएशन फिर से शायद ख़राब होना शुरू हो गई है, ऐसी खबर आ रही है। बाकी मैं जो है गाइस सॉरी मांगता हूं आप सभी से कि मैं बहुत दिन से मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मुझे जो है गाँव जाना पड़ गया था अपने होम टाउन, एंड गाँव से आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे काम थे तो उन्हें भी ख़त्म किया मैंने, सारे काम ख़त्म करके उसके बाद आपके लिए जो है टाइम निकाला है। सो आज जो है हम जा रहे हैं करोल बाग, और करोल बाग में अभी छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करानी है, प्लस अपने लिए राइडिंग जैकेट भी लेनी है, क्योंकि ये भी एक छोटा सा रीज़न है जिसकी वजह से मैं राइड नहीं कर रहा था, क्योंकि यार सेफ्टी इज़ फर्स्ट। और अपने ही एक ग्रुप के एक लड़के ने विदाउट गियर्स के राइड कर रहा था, जिसकी वजह से उसको कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी खरोचे मतलब आ गई। और अगर उसने शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि राइडिंग गियर्स पहने होते तो नहीं होता ऐसा कुछ। तो अभी जो है करोल बाग जा रहे हैं, और दोस्तों बता दूं आपको कि अभी जो है अगर आप इंडिया गेट की तरफ से अगर जाते हैं करोल बाग, तो प्लीज़ यार दोस्तों अपने साथ हेलमेट लेना, अगर पिलियन है आपके साथ तो पिलियन को भी हेलमेट ज़रूर पहनाना, सारे डॉक्यूमेंट ओके रखना, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने रोक लिया तो आपकी किसी के साथ भी जान पहचान हो वो नहीं छोड़ेंगे आपको। और बहुत ज़्यादा चेकिंग है यहाँ पे, कम से कम 7 से 8 जगह चेकिंग है, और मेरा यही कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट और हेलमेट वेलमेट जो भी गियर्स हैं आपके वो पहन के ज़रूर चले, क्योंकि अगर रोक लिया तो चालान होना निश्चिंत है, चाहे थोड़ा बहुत भी देना पड़ जाए आपको जेब से, लेकिन अगर एक बार रोक लिया पुलिस वालों ने तो समझो रोक ही लिया। सो गाइस, गांव से आने के बाद मैंने इसकी सर्विस भी करा दी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी चल रही है अपनी बाइक, और सर्विस कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गांव से आने के बाद इसका सर्विस और पेंडिंग था, और इंश्योरेंस भी पेंडिंग था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सर्विस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ऑफिस ना ज्वाइन करके पहले सबसे पहले इसकी सर्विस कराई, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि पहले सर्विस ही करा लेते हैं इसकी। और टोटल जो कॉस्ट है मेरा वो 8000 के अबव पहुंच चुका है, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा 8000 से आगे गया था, लेकिन बाइक जो है बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चल रही है। और अभी जो है मैंने विदाउट ग्लव्स जो है बाइक चला रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और ग्लव्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लव्स फट गए थे तो इसी बहाने ग्लव्स भी ले लेंगे, नए ग्लव्स। एंड करोल बाग बस पहुँचने वाले हैं, मैंने मैप लगा रखा है, 3 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, तो बस चल ही रहे हैं और चलते हैं। फिर अभी करोल बाग पहुँच के आपसे बात करते हैं, तब तक थोड़े बहुत जो है राइड को इन्जॉय कीजिए आप। आज जो है अपना राइड पे भी लोगों ने बुलाया था मुझे, लेकिन वही बात है कि विदाउट गियर्स हम जो है वो राइड नहीं कर सकते, तो मैंने यही सोचा कि विदाउट गियर राइड करना नहीं है, कुछ भी हो जाए तो विदाउट गियर राइड नहीं करेंगे, और पहले जाएंगे गियर्स लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैकेट लेनी है हमें, तो पहले जैकेट लेंगे, उसके बाद जो है कहीं भी राइड करनी होगी तो हम करेंगे। एंड दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि करोल बाग ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और बस चल रहे हैं अब। पहले तो जाएंगे यश भैया के पास, यश ग्राफिक, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा उनको, तो पहले जाएंगे यश ग्राफिक के पास, और विजय भैया जो उनका नाम है, और विजय भैया के पास जाने के बाद उसमें पूछना है हमें, और पहले रैप करवाएंगे। सोच रहा हूँ कौन सा रैप, सिर्फ जो रेड वाला पार्ट है उस पर करवाना है, टैंक पे एंड फ्रंट वाले वाइजर पे, तो देखते हैं अब क्या करते हैं। तो चलते हैं पहले करोल बाग और देखते हैं क्या करना है।
गाइज अभी मैं करोल बाग से निकल चुका हूँ और करोल बाग से निकलते निकलते शाम हो गई, मतलब रात हो गई है, क्या बताऊँ मैं। सो गाइज अभी जो है मैंने राइडिंग जैकेट ले लिया है। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि राइडिंग जैकेट कौन सी ली है, एंड वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी आज या कल में देखने के लिए। आज तो नहीं मिल पाएगी, कल या परसों में पक्का मिल जाएगी आपको कि कौन सी राइडिंग जैकेट ली है और बेस्ट है, मतलब कि इतने बजट में तो मतलब कि क्या बताऊँ। मैं वैनम लेने गया था लेकिन मेरे को पसंद आई ये, तो मैंने ये वाली ख़रीद ली। एंड गाइज मैं बता दूँ कि कभी भी करोल बाग आओ संडे और मंडे को अवॉइड करो, क्योंकि यार मैंने सोचा था कि व्लॉग करूँगा और व्लॉग में कर नहीं पाया। इतना ज़्यादा रश कि बाइक संभालूँ के गियर्स संभालूँ मैं अपने जो राइडिंग जैकेट ली है, मतलब सामान भी ज़्यादा हो गया था मेरे पास, और करूँ तो करूँ क्या मैं ये सोच रहा। एंड उसके बाद दिक्कत यह है कि संडे को कभी भी आप आते हो तो अवॉइड करो। अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि यार रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे जब मैं शुरू में आया तो रश नहीं था, सुबह एक काम तो मेरा हो गया था, एक काम रह गया था जो गियर्स और वो सब खरीदने थे, तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था यहाँ पे। एंड गाइज मैं बता दूँ आपको कि किसी भी दुकान पे आओ, एक या दो जगह पे ज़रूर एक बार आप जो है वो प्राइस कंपेयर कर लो, कोई भी सामान लो, कोई भी एक्सेसरीज बाइक की लो। वैसे तो सारी एक्सेसरीज मिल जाती है लेकिन कोई भी एक्सेसरीज लो तो मेरा यही कहना है कि हर दुकान पे कंपेयर कर लो, बहुत ज़रूरी है। और सेकंड बात यह है कि एक दुकान पे कभी भी आपको कोई सामान नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो, बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि मुझे जो है जो भी सामान लेना था वो तो मिला नहीं, लेकिन मैंने किसी न किसी तरह ढूंढ लिया अलग अलग दुकान से, आधा सामान कहीं से लिया, आधा सामान कहीं से लिया है। तो जो भी सामान मैं, अब मतलब कि एक्सेसरीज जो मैं अभी लगाऊंगा अपनी बाइक में, वो आपको देखने को मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। एंड गाइज बस आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखा दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मैं बस यही कहूँगा कि संडे और मंडे को जो है वो आना अवॉइड कीजिए, संडे को रश बहुत ज़्यादा होता है। बाल बाल बच गए दोस्तों अभी तो। सो गाइज मैं बता रहा था कि आपको कि संडे को रश बहुत ज़्यादा होता है, एंड गाइज मंडे को जो है मार्केट पूरी ऑफ रहती है, मतलब ये समझ लो कि इक्का दुक्का दुकानें जो होती हैं खुली रहती हैं, एंड गाइज सारी जो है वो बंद रहती है। सो गाइज मैं यही कहूँगा कि संडे और मंडे को अवॉइड कीजिए आना, और बस आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर चाहे रश हो मार्केट में या कुछ भी हो। कई जगह मैं वीडियो बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाई, एंड ZX10R के मिरर जो थे वो मिल रहे थे मुझे 2200 रुपए के, फिटिंग के साथ 2400 रुपए के मिल रहे थे, लेकिन मैंने वो नहीं लिए क्योंकि यार थोड़ी जेब टाइट हो गई थी, और गियर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर मैं वो लेता तो गियर्स नहीं ले पाता। सो गाइज मैंने वो वाले मिरर नहीं लिए, एंड गाइज अभी वो मैटर नहीं करता मेरे लिए उतना। बाकी KTM के इंडिकेटर जो भी थे, जो भी एक्सेसरीज थे मैंने ले लिए, अब वो एक्सेसरीज लगाएंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या एक्सेसरीज अब बाइक में मेरे लोडेड है, और भी एक्सेसरीज लेंगे, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वीडियो देख के स्किप मत करना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मिलता रहूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाने की। सो गाइस लेता हूँ आपसे अलविदा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।